स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी की अगुवाई में टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्थल मोस्टामानू में रविवार को सफाई अभियान चलाया गया। ITBP, SSB, नगर निगम, वन विभाग और बैंकों के सहयोग से चलाए गए इस अभियान के दौरान 6 गाड़ी कूड़ा एकत्र किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए कहा, आम नागरिक, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी सभी के सहयोग से स्वच्छता का लक्ष्य हासिल होगा। उन्होंने पुलिस को इस खूबसूरत स्थल में कूड़ा करकट फेंकने वालों पर कड़ी नजर रखने और चालान करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में आज जो है एक विधक जो है सफाई अभियान यहाँ पर चलाया गया है। चंडाक क्षेत्र जो हो गया हमारा और मोस्टमानु मंदिर हो गया, वर्धन पार्क हो गया, 3 सेक्टर्स में जो है हमारा जिला प्रशासन की, जिला कोऑपरेटिव बैंक, वन विभाग और ITBP 14वीं बटालियन, 5वीं बटालियन SSB की और उसके साथ इको टास्क फोर्स जो है टेरिटोरियल आर्मी की, सभी ने मिलकर एक बहुत ही वृहद सफाई अभियान चलाया। लगभग 4 गाड़ियां जो हैं हमारी नगर पालिका की, कूड़े से इतना कूड़ा यहां से एकत्रित किया गया है। साथ ही साथ ये तो एक बधाई के पात्र हैं सभी लोग जिन्होंने ये जो है इस अभियान को सफल बनाया है, पर साथ ही साथ मैं हमारे जो पिथौरागढ़ के आम जनमानस हैं निवासियों से एक आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो गंदगी हम यहाँ पर फैला रहे हैं उससे हम अपने ही क्षेत्र का नुकसान कर रहे हैं, अपनी ही हानि कर रहे हैं। अगर हमारे जो पर्यटक स्थल हैं, हमारे जो स्थान हैं, मंदिर परिसर हो, चंडाक परिसर हो, वर्धन पार्क के आसपास का परिसर हो, अगर यदि वो साफ़ सुथरे रहेंगे तो पर्यटन को बढ़ावा देने में जो है उसका लाभ मिलेगा। यदि अगर हमारे जो इस पर्यटक स्थल ऐसी कंडीशन में रहेंगे, ऐसे हालात में रहेंगे, तो हम उसका जो है पर्यटक के ऊपर बड़ा ही उसका बुरा असर पड़ता है। साथ ही साथ हम चंडाक जो मिशन चंडाक एरिया जो है जहाँ पर आए दिन वहाँ पर भी सफाई अभियान में ये देखा गया, कई बार पहले भी सफाई अभियान वहाँ पर चलाया गया है, बहुत सारी शराब की बोतलें वहाँ से मिली हैं और चिप्स के पैकेट और बहुत तमाम किस्म की प्लास्टिक वहाँ से एकत्रित की गई है। तो उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा हानि, वहाँ पे पशु भी चरते हैं आसपास के गांव के लोगों के, जो टूटी हुई कांच की बोतल होती हैं उनसे उनको भी जो है चोट लगने का खतरा बना रहता है और गांव वाले ने बताया भी उनके पशुओं को ऐसा नुकसान भी हुआ है। पर्यटन विभाग की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में शामिल 30 छात्रों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में वन विभाग के SDO आशीर्वाद कुटियाल, DPRO हरीश आर्य, जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति आर्य आदि ने भागीदारी की। उधर ऐचोली क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर स्वर्ण सिंह सूरी की अगुवाई में स्वच्छता अभियान चलाया गया। रीजनल मैनेजर ने स्वच्छता को संस्कृति का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। पंडा बाईपास रोड बेहद खतरनाक हालत में है। सड़क में कई जगह गड्ढे बन गए हैं। डामर उखड़ जाने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में गड्ढों में पानी भर जाने पर लोगों को कई बार सड़क का सही अनुमान नहीं लगता, जिससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दोपहिया वाहन आए दिन इस सड़क पर रपट रहे हैं। मजबूर लोगों को सड़क छोड़कर किनारे से वाहन निकालने पड़ रहे हैं। रोज ही चलता हूँ क्योंकि मैं स्कूल भी यहीं से जाता हूँ और बहुत दिक्कत होती है। रात को तो इतनी दिक्कत होती है कि कब मतलब हमारे गाड़ी पलट जाए, इतनी भी दिक्कत हो जाती है क्योंकि खड्डा इतना है, कभी कभी पानी अगर भर गया तो पता भी नहीं चलता है कि कितना बड़ा खड्डा है, तो हम इसी पर ले चलते तो और मुश्किल हो जाता है। और पूरी रोड में इतना बड़ा खड्डा हो गया, कहाँ पर हम ले जाएं ये भी पता नहीं चलता, गाड़ी को ले जाएं तो किस रास्ते ले जाएं, तो बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ भ्रमण के दौरान इस सड़क पर हॉट मिक्स किया गया था, लेकिन यह एक वर्ष भी नहीं टिक सका। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विवेक सक्सेना ने कहा, सड़क में पानी का रिसाव बहुत ज्यादा है, जिसके चलते यह समस्या खड़ी हुई है। जल्द ही सड़क में पेचवर्क का कार्य किया जाएगा। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला के पास लगातार सड़क धसाव की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने रविवार से अगले 3 दिनों तक भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक हल्के वाहन भी आवागमन नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे काफी हैवी स्लाइड आया था और 12-13 तारीख की बारिश के बाद यहाँ काफी डैमेजेस हुए थे। यहाँ की हमारी जो NH की टीम है वो लगातार 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे खतरा भी बहुत ज्यादा है और जो हमारा जो लूज रॉक है वो बहुत ज्यादा है। हमने प्रयास किया था पिछले 2 दिनों में कि हम लोग लाइट व्हीकल को क्रॉस कराएंगे और उसके बाद हमने कल एफर्ट्स किए थे कि हैवी ट्रैफिक भी जो है वो क्रॉस कराया जाए, लेकिन हैवी ट्रैफिक जैसे ही हमने पार कराने की कोशिश करी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंकिंग हुई है और वो अनसेफ हो गया है। आज भी हम देख रहे हैं कि NH की टीम सुबह लगभग 6 बजे से काम कर रही है और लगभग 11-12 घंटे के बाद भी हम लोग अभी सक्सेस नहीं आ पाई है। हमें उम्मीद है कि हम लोग मे बी आज शाम या कल सुबह तक लाइट ट्रैफिक के लिए हम लोग इस वहाँ मार्ग को खोल पाएंगे, लेकिन जिस तरह की यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं अगले 3 दिन तक हैवी ट्रैफिक का यहाँ से जो है आवागमन संभव नहीं हो पाएगा। मैं सभी लोगों से अनुरोध किया, अपील भी करना चाहूँगा कि जो हैवी ट्रैफिक है वो हम लोग टनकपुर और चंपावत के बीच में 3 दिन तक हम पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखेंगे और लाइट ट्रैफिक वालों से भी अनुरोध है कि हम पूरा सहयोग करें NH वालों के लिए और जब NH हमें क्लियरेंस दे लाइट ट्रैफिक के लायक तभी वो मूवमेंट करेंगे। अपराह्न 2 बजे से 6 बजे तक हल्के वाहनों को आवागमन की अनुमति दी जाएगी। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इस स्थान पर प्रशासन बार बार सड़क तैयार कर रहा है, लेकिन भूधसाव के चलते सड़क ज्यादा दिन नहीं चल पा रही है। स्थायी समाधान के लिए 3 दिनों तक आवागमन बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आज शाम 5:15 पर स्वाला के पास छोटे वाहनों के लिए मार्ग खुल गया था। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने आज स्वाला क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद कहा, टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग में छाना सिनिया खोला गांव के लिए बनाई गई सड़क ब्लास्टिंग के चलते बंद हो गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने आज 0 पॉइंट पर एकत्र होकर आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने कहा, NPCC पिछले 7 वर्षों से इस सड़क का निर्माण कर रही है जो अब तक पूरी नहीं हुई है। सड़क खस्ता हाल है, निर्माण के चलते पेयजल योजना, सिंचाई गोल, ग्रामीणों के खेत बर्बाद हो गए हैं। ग्रामीणों ने बंद पड़ी सड़क को शीघ्र खोलने के साथ ही अधूरी सड़क का कार्य पूरा कराए जाने, NPCC से वापस लेकर सड़क को PMGSY को सौंपे जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर सड़क नहीं खोली गई तो वह आमरण अनशन शुरू कर देंगे। अब 3-स्टार फैसिलिटी और AC रूम्स की सुविधा के साथ एम्पल पार्किंग, फैमिली फंक्शन एंड बैंकेट हॉल, साथ ही अक्षय पात्र वेज रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन खाने की सुविधा। पिथौरागढ़, धारचूला, मुंसियारी, DD हाट, चंपावत के दूरस्थ यात्रियों को प्राथमिकता। होटल भागीरथी इन, पीलीभीत, चुंगी, टनकपुर। भाटकोट स्थित मेथोडिस्ट समुदाय के कब्रिस्तान में जबरदस्त भूस्खलन से 30 से अधिक कब्र मलबे में दफन हो गई है। इससे ईसाई समुदाय के लोग खासे परेशान हैं। चर्च के सचिव सुभाष सिंह और प्रॉपर्टी कमेटी के अध्यक्ष मनोज सिंह अलेक्जेंडर ने बताया कि कब्रिस्तान के आसपास पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे भूस्खलन हुआ है। उन्होंने बताया कि आसपास बने कई मकान खतरे की जद में हैं। यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कब्रिस्तान की सुरक्षा के साथ ही क्षेत्र में ड्रेनेज के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की है। सोमवार को ईसाई समुदाय के लोग इस संबंध में जिला प्रशासन से मुलाकात करेंगे। जिला चिकित्सालय में भर्ती एक मरीज का मोबाइल चुरा रहे व्यक्ति को तीमारदारों और अस्पताल स्टाफ ने पकड़ लिया। बताया गया है कि व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर था। उसके द्वारा माफी मांग लेने पर लोगों ने उसे छोड़ दिया। इधर सिमलगेर बाजार में बस्ते निवासी उमेश सिंह का मोबाइल स्कूटी से उड़ा लिया गया। उमेश सिंह ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा ली है। कोतवाल ललित जोशी ने बताया, CCTV फुटेज से मोबाइल चुराने वाले का पता लगा लिया गया है। जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। पिथौरागढ़ में नए कोतवाल ललित जोशी ने ड्रिंक एंड ड्राइव मामलों में चेकिंग तेज करने का निर्णय लिया है। इसके लिए रात को भी चेकिंग की जा रही है। रविवार को चंद्रभागा पुलिया के पास ढाबे में शराब परोसने वाले पुष्कर सिंह को गिरफ्तार किया गया।
उप निरीक्षक मोहम्मद आकिल सिद्दीकी ने सुरेंद्र सिंह निवासी बजेटी को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा। उसका वाहन सीज कर दिया गया है। डीडी हाट के एसओ सुरेश काम्बोज ने रोहित आर्य निवासी मुखानी हल्द्वानी को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा। जाजर देवल के थाना प्रभारी प्रकाश पांडे ने गणेश सिंह निवासी पत्थरकोट को शराब पीकर वाहन चलाते हुए गिरफ्तार कर लिया। सभी के वाहन सीज कर लिए गए हैं। जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए खनन विभाग सक्रिय हो गया है। जिला खान अधिकारी मयंक आर्य के नेतृत्व में विभागीय टीम ने विशाड़ क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध खनन सामग्री से लदे एक टिप्पर को पकड़ा। टिप्पर को सीज करने के साथ चालानी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी गई है। उधर मुआनी से थल की ओर जा रहे एक पिकअप को भी अवैध खनन सामग्री के साथ पकड़ा गया। इस पिकअप को भी खनन विभाग ने सीज कर दिया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN सबसे अलग सबसे तेज। धन्यवाद।